जय श्री दोस्तों, मैं हूं आप साथ यशपाल सिंह। किसल मेरी सफर एक नयो कॉन्सेप्ट आप साथ में यूट्यूब ऊपर लेना आया हूं। वीडियो अगर आपने अच्छा लगे तो आप चैनल ने सब्सक्राइब कर दो और लाइक कमेंट करना मत भूलो। सबसे पहले अपन 9 मीटर का साफा ले लेंगे और उसे अच्छी तरीके से भिगो देंगे पानी से, इस तरीके से। जैसलमेरी साफा बांधने का एक आसान सा तरीका मैं आज आपके साथ लेकर आया हूँ। देख सकते हैं जिस तरीके से गोल साफा बांधा जाता है उसी तरीके से अपने को जैसलमेरी साफा बांधना है। इस तरीके से इसको पकड़ना है, उसके बाद अपने को गोल साफे वाली प्रोसेस करनी। इसी तरीके से पट्टा घूमेगा और इसी तरीके से राउंड शेप में जिस तरीके से साफा बनता है उसी शेप के अंदर ये साफा भी आपके हाफ डिजाइन बनने वाला है। चूड़ी घर जाए दो रे, चूड़ी ला लाए दो, वो चूड़ी घर जाए दो। अब अपन क्या करेंगे, गोल साफे में जिस तरीके से पट्टा बनाया जाता है, जिस तरीके से गोल साफे के अंदर पट्टा बनता है उसी तरीके से अपन इस साफे के अंदर भी पट्टा बनाएंगे। इजीली पट्टा बना के अपन इसके ऊपर वर्क करेंगे। इस पट्टे को आपको इस तरीके से पकड़ना है पीछे से और इसको बराबर आपके कान के बराबर में इसको ऊपर तक लेके आना है, ये इस तरीके से। और ये इस आंख के पास से मतलब फेंडर के बीच में से इसको आपको ऊपर लेके आना है, इस तरीके से आपको ऊपर लेके आ जाना है। वापस अपन पट्टा बना लेंगे और इस पट्टे का ही मेन चीज होती है जो जैसलमेरी साफे के अंदर बांधा जाता है। इसी पट्टे का मेन चीज होता है जो जैसलमेरी साफे की मेन प्रोसेस है। इसको अपन पीछे से पकड़ेंगे, पीछे से इस तरीके से पकड़ेंगे, एक जगह पे एक जगह से पकड़ सकते हैं और इसको सेंट्रली अपन इसको अपन सेंटर में इस तरीके से लेके आएंगे ताकि ये बिगड़े ना, और इसको खींच के अपन एक तरफ ले लेंगे पूरा। नेक्स्ट प्रोसेस देखें तो सेम ही प्रोसेस है, वही पट्टा बनाना है आपको और उसको आप बीच में से ले सकते हैं ताकि ये प्रॉपरली दिखे और एक प्रॉपरली पट्टा बन के आपके सामने नजर आए। ये नेक्स्ट प्रोसेस इसके ऊपर ही होगी। जैसलमेरी साफे के अंदर आपको पट्टे बनाने का एक प्रॉपर चीज देखनी पड़ेगी, पट्टा और पीछे की बैक। उसके बाद आप साफे को इस तरीके से पकड़ के पीछे तक लेकर जाएंगे ताकि अच्छे से पैक हो जाए, 1-2 स्टेप दिखने लग जाए इसके अंदर। सेम प्रोसेस में इसको वापस ऊपर लेके आएंगे। पट्टे बनाने का प्रॉपर तरीका सीख जाएंगे अगर तो जैसलमेरी साफा बांधना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। एक और चीज आपको जैसलमेरी साफे के अंदर ध्यान रखनी है, जिस तरीके से आप पट्टा बना रहे हो उसके बाद उस पट्टे को आप एकदम प्रॉपरली पतला पकड़ के एकदम शॉर्ट होना चाहिए, एकदम पतला, उसके बाद उसको आप ले लें ताकि एकदम अच्छे से दिखेगा। इस तरीके से आप ऊपर तक ले लें ताकि अच्छे से दिखे। उसके बाद लास्ट प्रोसेस है उस पट्टे को भी आप अच्छे से बना के लाए दो मुझे कड़ी ये रोहा, और उसके बाद इसको पीछे से पकड़ के इस तरीके से ऊपर चढ़ा दीजिए, इस तरीके से ऊपर चढ़ा दीजिए। उसके बाद जो लास्ट पट्टा है जी
जी आवे। देख सकते हैं आप मेरा साफा 90% ऊपर से भी कवर हो चुका है, साइड से भी कवर हो चुका है और इस साइड से भी एकदम प्रॉपर पट्टे दिख रहे हैं। इसी तरीके का आपको भी जैसलमेरी साफा बांधना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देवे। जैसलमेरी साफा आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका एक एक पट्टा एक एक फिनिशिंग से मैंने वर्क किया है। इसके ऊपर चारों तरफ से ये कवर्ड होता है। जैसलमेरी साफा एक अलग अंदाज में है।